शाहकोट में गवर्नमेंट हाई स्कूल की लेबोरेटरी टीचर गुलाम फरीद को मेहनत और कोशिश के बावजूद इलाका भर में शोहरत पाई जा चुकी है, जबकि इंजीनियर्स और डॉक्टर तजर्बात करने के लिए आते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक ताहिर इकबाल। गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहकोट की एमपी लैब मुकामी टीचर गुलाम फरीद की मेहनत से इलाका भर में शोहरत पा चुकी है, जिसका एतराफ लैब का विजिट करने वाला हर शख्स करता नजर आता है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलाम फरीद साहब के साथ। आइए इनसे पूछते हैं कि इस लैब में क्या क्या खसूसियात हैं जो बाकी दूसरी लेबॉरटरीज में नहीं मिलती। अहम चीज़ जो इस लेबॉरटरी की है वो बैक्टीरिया कल्चर किया हुआ है। मेंढक जो है उसके बच्चे यहाँ पे हमने यहाँ छोड़े हुए हैं। हमारे पास बैक्टीरिया है, इसमें डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया हैं कल्चर किए हैं, जिसमें पैरामेशियम भी है, क्लेमाइडोमोनास है, योगलीना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यहाँ होते हैं हमारे पास। ये बच्चे स्लाइड तैयार करते थे, माइक्रोस्कोप में देखते थे, जैसे सिर्फ एक बच्चा ही देख सकता था। अब हम इससे स्लाइड तैयार करते हैं, वो आप HD पे दिखाते हैं। जिंदा बैक्टीरिया और पत्ते में सेल टू सेल पानी का बहाव देखना कभी इतना आसान नहीं था, लेकिन अब शाहकोट लेवल पर भी ये सहूलत मौजूद है। मैट्रिक लेवल पे उसको मैंने वादे किया है, चैप्टर वाइज मॉडल रखे हुए। फिजिक्स का एक चैप्टर है मैकेनिक्स, जिसके अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर जो चीज़ें भी इस्तेमाल हुई हैं, इनकी फीचर्स, इनके करेक्टरिस्टिक्स, वो मैंने वादे की हैं मॉडलों के ज़रिए। सेल थ्योरी में तमाम ऑर्गेनिजम्स यहाँ हमने मॉडलों के साथ क्लियर किए हुए हैं। क्रोमोसोम्स के मॉडल हैं, जब वाइब्रेटर मूव करता है इस पानी पे तो नीचे वेव्स, सर्कुलर वेव्स आप देख सकते हैं। बॉडी मूव्स करता है तो वेव्स पैदा होती हैं। ये सब कुछ मैंने खुद ही प्रिपेयर किया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे पास है गेट आर गेट का कंसेप्ट है, एंड गेट और आर गेट। इंटरनेशनल लेवल का मैजिक बोर्ड है, अभी तक पूरी वर्ल्ड में इस तरह का मैजिक बोर्ड किसी भी अदारे में मौजूद नहीं है। इसकी खूबी ये पॉइंटर कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रखेगा पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से आप डस्टर उठाएं, इसे मूव करें और वहीं रख दें आप उसको। ये मुड़कर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो ऊपर लगे हुए एक स्क्रीन में तमाम बच्चों की पूरी क्लास का विजन देख सकता है और बच्चों पर नज़र रख सकता है। हाँ, हमारे न्यू जनरेशन डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अगर उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ तो मुझे 100% उम्मीद है कि यहीं बच्चे आगे जाकर अजीम इंसान बनते हैं और अपने मुल्क कौम के लिए बेहतर और अच्छे इंसान साबित होते हैं। हेडमास्टर साहब का भी कहना है कि इन सहूलियत की वजह से हमारे स्कूल के बच्चे साइंस क्रिएशन मुकाबला जात में पहले नंबर पर आए हैं, कि पूरा जिला क्या बल्कि पूरे पंजाब में मिसाल दी जाती है। एक मेरे ऐसे टीचर हैं जो ट्यूशन के पीछे नहीं भागते, ये बच्चों की किरदार साजी में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फिर बच्चों को हर बात जो है उस लैब में बड़ी खुलकर समझाते हैं। तलबा और साजा का कहना है कि शाहकोट जैसे इस छोटे शहर में इस तरह की जदीद और इंटरनेशनल मियार की लैब का होना बड़ी खुशाइंद बात है। कैमरामैन आमर मुगल के साथ मलिक ताहिर इकबाल, रॉयल न्यूज़।